शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भाई उतरना और मुश्किल है, सब अपना अपना रास्ता बना रहे हैं। हम तो यहाँ से चल रहे हैं फ्रेश नो से, जहाँ से चढ़े थे ये मेरे पैर के निशान है। भाई हम तो अगला चलो वाला सीन ले रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है यहाँ से, हम आ गए क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्रेश नो है। भाई देखो टिप देता हूँ उतरने की, पैर को हमेशा ऐसे टेढ़ा रखना है, डंडा फंसाओ पैर ऐसे टेढ़ा रखो। ये देखो हेल्थ पे ध्यान दो और आओ, इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। और विदाउट प्रॉपर गियर हमारी तरह ना स्नो बूट्स हैं तो बिल्कुल ही इजी नहीं है, लेकिन कर सकते हो भाई। काफ़ी बंदे पूछ रहे हैं भाई जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि भाई ऊपर तक गए थे इन शूज़ में, हम सबको यही बोलते हैं भाई चढ़ जाओगे, हौसला रखो और फ्रेश नो से चढ़ो। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ये है भाई नंदा देवी पीक्स, बहुत ज्यादा ही ऊंची। इधर इसके पीछे बद्रीनाथ है, ये चौखंबा पीक्स है आगे वाली, उसके पीछे बद्रीनाथ है, उस वो केदारनाथ की पहाड़ है, उसके पीछे मंदिर है। भाई वर्थ लाइफ में भाई, ज़रूर एक बार जाओ हिम्मत करके, बहुत हिम्मत लगती है बट वर्थ है। चलो भाई उतरना शुरू कर रहे हैं, उतरने में बहुत मेहनत लगेगी, पानी पी लेते हैं। भाई अब उतरना शुरू करेंगे और उतरने पे स्टैमिना नहीं कंट्रोल लगेगा, और अब तो काफ़ी लोग आने लग गए हैं देख देख हम जैसे लोगों को अब, लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा भाई रिकॉर्डिंग भी करेंगे, कहीं फिसल गए तो रोल होंगे, बॉल की तरह नीचे जाएंगे, और नीचे मतलब भगवान की तरफ ऊपर। अभी बहुत दुनिया देखनी है, बहुत कुछ देखना है, तो धीरे धीरे उतरेंगे भाई रास्ता बना बना के। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लग रही है और मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई अपने बहुत। चलो भाई कैमरा रखें और उतरें यहाँ से, बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो, सन की वजह से थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पिघल रही है। अब तो भाई बहुत लोग आने लग गए, बहुत लोग आ रहे हैं अब तो, हमारे टाइम में तो इक्का दुक्का आ रहे थे, दूसरों को देख के बहुत लोग चढ़ रहे हैं भाई, बहुत हौसला मिल रहा है लोगों को। उतरना ज़्यादा टफ है भाई, पूरी ब्लैक आइस बन गई है अब तो, कॉर्नर कॉर्नर से उतर के आओ, अपना रास्ता खुद बनाओ भाई यहाँ तो। चलो उतरते हैं नीचे, भाई उतरना और मुश्किल है, सब अपना अपना रास्ता बना रहे हैं, हम तो यहाँ से चल रहे हैं फ्रेश नो से, जहाँ से चढ़े थे ये मेरे पैर के निशान है, वो और ज़्यादा रिस्की लग रहा है मुझे। चलते हैं भाई, चलो हर हर महादेव। भाई हम तो अगला चलो वाला सीन ले रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है यहाँ से, हम आ गए क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्रेश नो है, लोग उधर से घूम घूम के आ रहे हैं वो ज़्यादा सिर्फ, यहाँ देखो कितनी फ्रेश नो है ये देखो, तो ये बेटर ऑप्शन है भाई। ग्रिप बनाते बनाते उतरो, और मैं यहाँ से चढ़ा था, मेरे पैर के स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो मुझे याद है ये पत्थर, यहीं से चढ़े थे हम, तो ये बेटर ऑप्शन है भाई। लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना। काफ़ी यहाँ मैं बैठा था भाई, मैंने पानी पिया यहाँ बैठ के, वाह हो हा, ये बढ़िया रूट है भाई, यहाँ से निकलूँगा जहाँ से मैं आया था, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ भाई, ज़्यादा रिस्क लेते नहीं है बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया चल चल के, शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अब। यहाँ देखो कितनी डीप स्नो है यार, चलते हैं भाई वहाँ से और नीचे, अभी काफ़ी नीचे जाना है। चलो भाई मुझे दिख रहा है रेनबो टाइप, आपको भी दिख रहा है कैमरे में भाई।
भाई देखो टिप देता हूँ उतरने की, पैर को हमेशा ऐसे टेढ़ा रखना है, डंडा फंसाओ पैर ऐसे टेढ़ा रखो, ठीक है उतर जाओगे, जल्दी उतर जाओगे, रिस्क कम रहेगा, पैर सीधा रखोगे तो ग्रिप नहीं मिलेगी, आपको बर्फ़ को रोकना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ से आए, यहाँ साइड से जाना पड़ेगा, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा पैर रख के उतरते हैं, चलो रखता हूँ भाई, फिसल ना जाए फोन, ये देखो और भाई जहाँ मेन रास्ता है ना वहाँ और ज़्यादा ब्लैक आइस हो जाती है, तो उसके साइड साइड पे फ्रेश स्नो में पैर रख के चलो आप, अदरवाइज ज़्यादा स्लिप हो जाओगे साइड साइड। चलो सी यू, अब उतर जाते हैं, बस थोड़ा बहुत स्ट्रेच रह गया है बस अब तो। भाई मेन जो स्नो वाला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट, अब तो स्नो नहीं बची है, साइड साइड से ये स्लश वगैरह है, तो यहाँ से तो अपन निकल जाएंगे होपफुली। बहुत मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल गीले हो गए हैं शूज़, गीले हो गए हैं शूज़ और सॉक्स, बट भाई वर्थ कमिंग है भाई, जो चढ़ सकते हो ना भाई, अगर आ सकते हो तो हिम्मत करके आओ भाई, थोड़ी सी अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और आओ, ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, और विदाउट प्रॉपर गियर हमारी तरह ना स्नो बूट्स हैं तो बिल्कुल ही ईजी नहीं है, लेकिन कर सकते हो भाई, गिरे भी हैं और मैं तो अकेले चढ़ा हूँ, अब तो बहुत लोग चढ़ गए, जब मैं चढ़ रहा था तो कोई नहीं था भाई, भाई अपडेट देना था आपको कि मुश्किल वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, बस अब तो ये पगडंडी सी आ गई है, इससे उतर जाएंगे साइड साइड से, हो गया अपना काम। और टाइम अगर मैं देखूं 11:42 12 बजे से पहले ही कंप्लीट हो गई भाई अपनी चंद्रशिला की भी ट्रैकिंग, और ये व्यूज़ है भाई, मतलब वर्थ है यार, वर्थ है सीरियसली, लेकिन भाई हेल्थ पे ध्यान दोगे ना तभी आ सकते हो, क्योंकि वरना नहीं आ सकते, इट्स नॉट ईजी, ये ज़्यादातर लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ के वापस आ रहे हैं, बहुत कम ही ऊपर तक जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है तो, बट हमने कर लिया भाई, चलो अब नीचे मिलते हैं आपसे। हाँ काफ़ी बंदे पूछ रहे हैं भाई जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि भाई ऊपर तक गए थे इन शूज़ में, हम सबको यही बोलते हैं भाई चढ़ जाओगे हौसला रखो और फ्रेश स्नो से चढ़ो, मेन रूट से मत चढ़ो वरना फिसल के गिरोगे ब्लैक आइस की वजह से, यही है थंब रूल स्नो में चलने का, टेढ़े पैर रखो और फ्रेश स्नो में चलो जितना हो सके, और डंडा हो तो बहुत ज़रूरी है भाई स्टिक, गियर के बिना हमने कराया भाई ये स्पोर्ट्स शूज़ में, बट वर्थ था, यही टिप्स हैं। चलो दिखा दे भाई टुंगनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन करा देते हैं, ये रहा अब भाई अपन नीचे चलते हैं, दोस्त हमारा नीचे पहुंच चुका है, टुंगनाथ से वापस चला गया था वो, तो फटाफट नीचे उतरना शुरू करते हैं, अभी टाइम है 11:50 AM, चलो भाई उतरते वक्त ना स्टैमिना नहीं लगता आपका, लेकिन पैरों का कंट्रोल बहुत लगता है, और यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक नहीं है, ऊँचा नीचा है तो पैर मुड़ सकता है आपका भाई, आओ तो बहुत ध्यान से उतरना, बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको लगेगा स्टैमिना लग नहीं रहा, फटाफट उतर जाओ, मेरा पैर खुद 2-3 बार मुड़ते मुड़ते बचा, और एक बार यहाँ मोच आ गई ना तो खेला ख़त्म है भाई नीचे तक पहुँचने में, तो बहुत आराम से उतरो पैरों में ब्रेकिंग यूज़ कर करके, पैरों की इंजन ब्रेकिंग डंडा हो तो और अच्छा है भाई।
भाई पहुंच गए इधर जहाँ पर्ची कटी थी। टाइम हुआ है 12:42, एक घंटा लगा उतरने में टोटल, 2 मिनट से आई थिंक, एक घंटा भी नहीं 50 मिनट्स। भाई 50 मिनट में उतर गए, चढ़े थे 1.5 घंटे में और उतर गए 50 मिनट में, दोस्त पीछे आ रहा भी। और चंद्रशिला से पूरा यहाँ तक नीचे उतरने में भाई आई थिंक लग गया होगा 1.25 घंटा, देखेंगे बाकी। तो बाकी अब वेट करते हैं ज़रा दोस्त आ जाए, फिर नीचे चलेंगे। शूज़ बिल्कुल गीले हैं भाई, फुल गीले हैं, इनको चेंज करना है। और यहाँ से निकलेंगे तिलवाड़ा की तरफ, वहाँ होटल है अपना आज, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेंगे 2 घंटे का, ताकि कल ईजी रहे घर पहुँचना। बाकी भाई एक्सपीरियंस बताऊँ तो टॉप क्लास, जितना तगड़ा टोंगनाथ का एक्सपीरियंस है उससे डबल ट्रिपल है आपका चंद्रशिला का। और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ थी स्नो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था बट भाई मज़ेदार था। चलो बाकी आपसे गाड़ी में मिलते हैं सीधे, तब बताएंगे और डिटेल्स में। वो आ गया जी गेट अपना, यात्रा हो गई संपूर्ण भाई, हो गई कंप्लीट यात्रा। 7:30 शुरू करी थी, 5:12:51, जिसमें करीब ये लगा लो 1.25 घंटे से 1 घंटा मैंने अपने फ्रेंड का वेट किया था टोंगनाथ पे और यहाँ नीचे उतरने में। अदरवाइज 4 से 4.5 घंटे में टोंगनाथ भी हो गया, चंद्रशिला भी हो गया, वो भी स्नो में। बहुत ज़्यादा तेज़ आया हूँ भाई भागते हुए, बट जो एक्सपीरियंस है ना ये अनफॉरगेटेबल है यार, अनफॉरगेटेबल सीरियसली, मतलब बता नहीं सकता आपको, अभी बताता हूँ लेकिन। अबे साले, अरे यार पता नहीं डायरिया हो गया वर्बल, दिमाग गंदा गया इतनी ब्यूटी देख के। बाकी भाई टोंगनाथ ट्रैक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, कोई कार्डियो करते हो तब तो ठीक है, नहीं करते हो तो बहुत टफ है भाई। पहले हेल्थ पे ध्यान दो कुछ महीने फिर आना। और चंद्रशिला और उससे कई गुना ज़्यादा टफ है, और ख़ासकर स्नो थी तो बहुत ज़्यादा टफ था, और अपने पास स्नो बूट्स भी नहीं थे तो बहुत टफ है चंद्रशिला की। बट अगर फिज़िकली फिट हो, कार्डियो करते हो तो आओ भाई, और ऐसे व्यूज़ मिलेंगे कि जीवन भर भूलोगे नहीं, तो जैसे हम नहीं भूलेंगे। बाकी बस अब निकलते हैं यहाँ से, तिलवाड़ा रुकेंगे और वहाँ स्टे करेंगे, और कल वहाँ से घर की तरफ। बाकी बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं, पूरी डिटेल रास्ता कैप्चर किया है तो इतनी डिटेल में वैसे कोई दिखाता नहीं है, बट अपन निकाल लिया। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस लंबी होंगी तो लाइक शेयर कर देना भाई। बाकी करते हैं अब कंटिन्यू, यहाँ से ड्राइव तिलवाड़ा की 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं।